गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी बुक टू पनोरमा से थर्ड लेसन द गिटार प्लेयर। थर्ड लेसन में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट द गिटार प्लेयर एंड सेकंड पार्ट स्वयंवरा। सुनीति नामजोशी, अबाउट द राइटर। सुनीति नामजोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन ये कनाडा शिफ्ट हो गई थी। करंटली शी लिव्स इन यूके, अभी वो यूके में है। शी हैज पब्लिश न्यूमरस पोएम्स, उन्होंने कई पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज लिखे हैं। हर बुक्स इंक्लूड कन्वर्सेशंस ऑफ काउ इन 1985, अदिति एंड वन आइड मंकी इन 1986, डब्ल्यू डंकी फेबल्स 1988, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स इन 1989 एंड द मदर ऑफ माया दीप 1989 में पब्लिश हुए। नाउ वी स्टार्ट द लेसन द गिटार प्लेयर। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपन्ड दैट समवन पासिंग बाय लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर। अ गर्ल, एक लड़की गिटार बजा रही थी तो ऐसा हुआ कि एक जो पासिंग बाई कोई गुजर रहा था वहाँ से लिसन, उसने गिटार को सुना, उसकी आवाज़ को, एंड उससे प्यार कर बैठा। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। तब लड़की ने पूछा कि क्या तुम ये मेरा म्यूजिक है जिसे प्यार करते हो, और मी, या मुझे प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे। द म्यूजिक कंटिन्यूड रहा वाटर फ्रॉम फाउंटेन, जैसे कि फाउंटेन से वाटर गिरता है और फिर वो हवा में शामिल होकर और फेल अवे बहता चला जाता है। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड। तो लिसनर जो सुनने वाला था उसने कहा, आई डोंट नो, ये तो मुझे पता नहीं है, वाट इज द राइट आंसर, कि सही आंसर क्या है। शांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रिप्लाइड द गर्ल, द गर्ल ने रिप्लाई किया, बट दैट्स नॉट इट, एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो बजाती रही अपना गिटार। सून अनादर पासर बाय हैपन्ड टू सी हर, फिर एक और कोई वहाँ से गुजरा, एंड ऑल्सो फेल इन लव, उसे भी उस गिटार की आवाज़ सुन के उससे प्यार हो गया। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने फिर पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और माई गिटार, या मेरे गिटार से। द सेकेंड बाई पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, सेकेंड पासर बाई ने गिटार की तरफ देखा, स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और लास्ट में कहा, वेल आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता। इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट तुम बजा रही हो ये बहुत सुंदर है। वाट इज द गर्ल आंसर, बट शी जस्ट सैड दैट्स वाजंट इट, लेकिन ये सही आंसर नहीं था, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और वो फिर भी गिटार बजाती रही। द टू पासर बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, वो दोनों बहुत व्यथित हुए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात उनके दिमाग में वो म्यूजिक बजता रहा, वो उसी के बारे में सोचते रहे। एंड वेन दे रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे, दोबारा वो उसी लड़की के पास गए, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि वो दोनों अपने अपने जवाब तैयार करके लाए थे। आई वुड लव यू, डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, लड़की एक पहले वाले ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नॉट ऑफ म्यूजिक, अगर तुम ये म्यूजिक नहीं बजाओ तब, अगर तुम ये म्यूजिक नहीं बजाओगी तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू, सोर द सेकेंड, और सेकेंड ने कहा, इवन इफ यू डिड नॉट ऑन अ गिटार, अगर तुम्हारे पास ये गिटार नहीं होगा तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, तो लड़की ने कहा कि तुम दोनों समझे नहीं मैं क्या चाहती हूँ। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ, विच मे डू यू लव, जो तुम मुझसे प्यार करते हो। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट म्यूजिक एट ऑल, अगर तुम मेरे म्यूजिक के बारे में केयर नहीं करते हो, उसे नहीं समझते हो। ओह दे सेड, तो उन्होंने कहा, ओह डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत आंसर दिया है। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, हाँ। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, तो सही आंसर क्या है।
यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें दोनों को मुझे दोनों से प्यार करना होगा, मुझे भी और मेरे म्यूजिक को भी, जस्ट एज आई एम, जैसे मैं करती हूँ, ऑल माई गिफ्ट्स, जो मेरे सभी उपहार है, ऑल माई पोजेशंस और जो सब मेरे पास है, एवरीथिंग आई हैव बीन, जो मेरे पास अभी तक है, एंड एवर शेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और जो आगे भी मेरे पास आएंगे, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, दे क्राइड आउट टुगेदर, उन दोनों ने एक साथ कहा, यस एग्रीड द गर्ल, तो लड़की ने कहा हाँ, एंड क्लोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और फिर उसने एक सैड ट्यून बजाना शुरू किया एक गिटार पर, जो उस ओकेजन को सूट करती थी. थैंक्स.